वेलकम बैक टू द चैनल। एंड कैसे हो आप सब लोग? माय नेम इज नैना और मैं यूएस में रहती हूँ, टेक्सास में, अपने फैमिली के साथ, हस्बैंड और बेटी के साथ। और हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज इससे प्रीवियस अगर जो आप लोग ने मेरा पहले भी व्लॉग अगर देखा है, तो इससे पहले वाला जो व्लॉग आया था ना, वो आज की सुबह तक का था और पूरा दिन निकल गया और अब है रात। तो हमारे तो कल दिवाली है, आज दिवाली से एक रात पहले वाला जो है रात है वो है छोटी दिवाली वाली। तो ऐसी हालत हुई है ना, बस पूछो मत। तो गाइस, आप लोग तो दिवाली स्टार्ट हो गई होगी, जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक तो शायद सबकी दिवाली हो चुकी होगी, क्योंकि कल ये व्लॉग नहीं आएगा, दिवाली वाले दिन टाइम नहीं मिलेगा एडिटिंग का। तो होपफुली परसों आएगा और देखते हैं कैसे होता है। तो परसों आएगा, तो होपफुली देखते हैं कैसे मैं एडिटिंग का मुझे टाइम मिलता है। बट हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, और सबको जो चाहिए वो मिले दिवाली पे, मतलब दिवाली पे थी लाइफ में। और बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी यार, मतलब सबको सब कुछ मिले, वही वाला बात। ठीक है, हैप्पी दिवाली। तो क्योंकि मुझे ना इतना वो बोला नहीं, अब पता नहीं होता है क्या बोले, तो जस्ट फ्रेंड्स टाइप ना वैसे चलता है। ओके, तो अभी रात हो रही है और मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है बिकॉज मैंने पहले वाले व्लॉग में बताया था कि हम धनतेरस वाले दिन से लाइटें लगाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी नहीं लग पा रही हैं, तो शायद आज लग जाएं। क्योंकि अभी डैडा लेटे हुए हैं सोफे पे, बेटी उनके साथ बैठी है और मैं खड़ी हूँ किचन में। तो अभी हमारा डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो चुका है, मैं तैयारी कर रही हूँ कल के लिए, कल रात के डिनर की। हाँ, कल रात के डिनर की, बिल्कुल सही, आज रात 9 बजे से, अभी 9 बज रहे हैं, 9 से भी ऊपर टाइम हो गया एक्चुअली। क्योंकि हम लोग दिवाली वाले दिन साग बनाते हैं, सरसों का साग, तो साग थोड़ा पुराना होता है ना, तो खाना टेस्टी लगता है खाने में। तो इसीलिए मैं आज रात को साग को बॉईल करके रखने वाली हूँ, और थोड़ा बनने में भी टाइम लगता है, और कल दिवाली है तो दिवाली वाले दिन वैसे सुबह सब चेंज करना, सब क्लीन करना, थोड़ा बहुत तो क्लीन होता ही है ना, मतलब बेडशीट वगैरह चेंजिंग और क्लीन करना। मुझे ऐसे होता है कि यार ना, चाहे 2 दिन पहले बेडशीट चेंज की हो, बट फिर भी दिवाली वाले दिन सब कुछ नया, मतलब क्लीन एकदम, एक बार तो मैं कर ही दूँ तो वाला चीज रहती है। और मंदिर डेकोरेशन वगैरह भी चलेगा, तो खुद भी रेडी होंगे, और दिवाली तो दिवाली है ना, और फोन्स पे भी लगे रहेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो हम अभी कर लेते हैं साग प्रिपेयर और लाइटें लगवा लेते हैं डैडा से। और डैडा और डैडा की बेटी पता है क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, उनकी दिवाली नहीं है, वो तो आराम से मजे कर रहे हैं। दिवाली का काम करना सिर्फ मेरे लिए, वो आएंगे गेस्ट की तरह दिवाली बनाने, बस ये हाल है। बताओ, सबके घरों में ही होता होगा आई थिंक यही हाल। और ये देखो डैडा का सिर दबाती डैडा की बंदरिया। ओके, तो मनका आप लोगों को अपनी बुक्स दिखाने का बोल रही है, बट वो मैं बुक्स मनका की आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। मनका लेके आई एक नई बुक, और उसको बुक्स का ना बहुत क्रेज है, मतलब उसको रीडिंग का और बुक्स का, उसको अगर बुक स्टोर पूरा भी उसको अंदर छोड़ दिया जाए ना, तो वो बहुत अच्छे से खुश रहेगी उसके अंदर। तो वो अभी बोल रही थी कि मेरी बुक्स में मैं कल जो बुक लेके आई हूँ वो दिखाऊं। क्या, रुक जा बेटा, दिखाएंगे अभी दिवाली है, अभी रुक जा, उसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे। तो चलो यार, फिर ना साग बना लेते हैं, और साग कैसे बनाते हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने सब निकाल के रखा है, अभी कट नहीं किया, कट मैं बाद में करूंगी, मतलब अभी कट करूंगी, बट मैं आपको दिखा देती हूँ मेजरमेंट मैं कितना लेती हूँ। ठीक है, तो आ जाओ और फिर देखते हैं, क्या पता लाइट भी लग जाए। और अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना, मेरे घर में इतने सारे मैंने कपड़े धो के रखे हैं, सोफे के कवर, ये वो, इतना कुछ फोल्ड करने वाला हो रहा है। तो आज रात के मुझे 1 बजने वाला है फॉर श्योर, वो भी 1 बजे मैं सो जाऊँ तो बड़ी बात है। तो देखो जी, साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1, 2 एंड 3, ये 3 है मेरा मस्टर्ड ग्रीन्स का गट्ठी, 3 गट्ठी है, और इसके साथ मैं डालती हूँ 2 गट्ठी पालक, ठीक है, ये इसमें जाएगा। और इसके साथ मैं डालती हूँ 1 इतना बड़ा साइज का ब्रोकली, क्योंकि ब्रोकली से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और साथ में मैं डालती हूँ ये जिंजर, साथ में ये 3-4 हरी मिर्च, बॉइल करने में ही डालनी है हरी मिर्च। और इसके साथ मैं ऐड करती हूँ ये 2 शलगम और थोड़ा सा गार्लिक, इतना गार्लिक मैं डाल दूंगी क्योंकि साग का टेस्ट ना लहसुन अदरक से ही आता है, और पंजाबी खाने का टेस्ट बिना लहसुन अदरक के हो ही नहीं सकता।
यहाँ मैंने शलगम को छील लिया, शलगम को अब मैं कर रही हूँ कट। मैंने शलगम को रफली चॉप किया था, और बस रफली चॉप करने के बाद शलगम मैंने साथ में कट किया ब्रोकली, क्योंकि ये मैं नीचे डालने वाली हूँ साग के स्टार्टिंग में। और बस कोई ऐसा कुछ नहीं है कि नीचे ही डालना जरूरी है, बट मैंने शलगम काटने से स्टार्ट किया था। और बस अब मैं ब्रोकली को डंठल के साथ ही कट करी, थोड़ा थोड़ा क्लीन करती जा रही हूँ, जो थोड़े बहुत पत्ते हैं उसमें नीचे वो मैं हटा रही हूँ। बाकी मैंने डंठल के साथ ही ब्रोकली कट किया था। और बस अब मैं इनको वॉश करके अपने इंस्टेंट पॉट के जो बर्तन है उसमें डाल दूंगी, और इनको बॉईल करने के लिए रख दूंगी, सो दैट जब मैं जितनी देर में पालक वगैरह काट लेती हूँ और इतनी देर में ये थोड़ा सा नीचे हो जाए। और बस अब मैंने यहाँ पे पालक को थोड़ा सा साफ किया, वैसे तो साफ ही थी थोड़ा, बस को जो नीचे वाली जो डंठल थी इसके हटा दिए, और बाकी मैंने इसको चॉप करके इसको भी अच्छे से वॉश किया, और वॉश करके मैंने इसको अपने उसमें डाल दिया था इंस्टेंट पॉट में बॉयल करने के लिए। और अब मैं यहाँ पे कट करूंगी सरसों को। सरसों को कट करने का जो सबसे मेजर जो पॉइंट होता है ना, उसमें इसके जो डंठल होते हैं ना नीचे वाले, इनको अच्छे से छील के कट करना होता है। इनके अगर हम छीलेंगे नहीं ना तो साग में तंदे आते हैं। अब तंदों को हिंदी में क्या बोलते हैं आई रियली डोंट नो, क्योंकि तंदे ही सुनते हैं हम तो, धागे शायद वो रेश वैसे धागे कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, वैसे तंदे शायद वही होते हैं। तो तंदे तंदे आती रहती हैं, तो इसको अच्छे से ना छील के उसके बाद इनको कट करके बारीक बारीक, और सरसों जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं और ये जो डंठल होते हैं इसको जितना हो सके बारीक कट करो। मैंने भी कोशिश करी है कि मैं बारीक कट करूँ सरसों को, तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पे इनको कट किया, और साग को भी मैंने इसी तरीके से कट कर लिया था। और इनको ना 5-6 पानी निकाला था मैंने वॉश किया था, क्योंकि साग को धोना सबसे ज्यादा जरूरी होता है पालक को, और मतलब ग्रीन कोई भी पत्ते वाली वेजिटेबल्स होती हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती है चाहे कितना मर्जी क्लीन हो। तो बस इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और इनको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। बॉईल करने के लिए मैंने इनको 3 घंटे के लिए रखा था, उसके बाद मैंने थोड़ी देर और टाइम बढ़ाया था, लाइक 1 आवर और बढ़ा दिया था। देखो यहाँ मैंने पहले वाला पालक वगैरह डाली हुई है, तो वो थोड़ी सी नीचे बैठ गई है, और अब मैं इसके ऊपर सरसों अपनी ऐड कर रही हूँ। और मैंने इसको अभी हाल फिलहाल 3 घंटे के लिए रखा है, और बाद में मैं फिर इसको 1 घंटे के लिए मैंने और कर दिया था, क्योंकि साग जितना धीरे पकता है ना उतना ही उसका टेस्ट आता है। तो मैंने इनको स्लो कुक पे लगा दिया है कि अपनी धीरे 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 कुक होती रहेगी। और इस तरीके से बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, लहसुन डालूंगी, अदरक डालूंगी, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करूंगी, और बस इसको 3 घंटे के लिए स्लो कुक पे पकने के लिए रख दूंगी। आप देख ही रहे हो इसी तरह, बस यहाँ मैंने नमक डाल दिया मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ एक्चुअली, तो इसीलिए मुझे भी साथ साथ दिख रहा है ना, तो मैं बताती जा रही हूँ हाँ ये। तो चलो बस हो गया। तो जी मेरा साग मैंने बनने रख दिया है, और पता है क्या, साग और दाल जितना धीरे पकाओ ना उतना टेस्टी बनता है। और अभी बज रहे हैं 10, 1 घंटा लग गया मुझे साग को काटने में, धोने में और उसको रखने में। तो देखो अब मेरा किचन मैंने कर दिया है पूरा चकाचक क्लीन, क्योंकि सुबह अगर मैं किचन में आऊं तो मुझे कुछ खलेरा ना मिले, गंदा ना मिले। तो अब डैडा इतनी देर में सो चुके हैं, गाने सुनते सुनते वो सो गए हैं, और वो बैठ के अभी अपना आईपैड में शो देख रही है। तो अब दोनों से पूछती हूँ कि क्या करना है, लाइटें लगानी है कि नहीं लगानी है। नहीं लगाने का बोलेंगे सोने का, तो फिर मैं खुद लगा लूंगी, कोई ऑप्शन नहीं है। आज दिवाली, कल सुबह, कल दिवाली है, मतलब कब लगाएंगे हम लाइट्स। हमारे घर लाइट्स लग जाए थोड़ी बात है, तो इस बार ये वाली फीलिंग आ रही है। देखो तो जी डैडा सोने जा रहे हैं, बोल रहे हैं सुबह लाइट्स लगा लेंगे, तो हमारी लाइट्स पता नहीं कब लगेंगी, मे भी शायद सुबह लग जाए। ये देखो ये मनका की कलम बुक लेके आए थे, मिस्ट्रीज ऑफ द मिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। द यूनिवर्स, मनका के पास बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, किसी ने शेयर करूंगी बड़े आराम से। मनका इस बुक के बारे में ना आप लोगों को एक फैक्ट बताएगी, बता दे मेरा बेटा आ जा। 4.5 बिलियन इयर्स अगो देयर वर 10 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. Nobody knows the name of the last planet because it collided with Earth and became the moon that we all know today. That's great. किसी को पता था इफेक्ट? नहीं पता था तो मेरे बेटे से पूछ लेना, ये पता है अभी क्या कर रहा है, ये पूरी यूनिवर्स ये साइंस की बुक पढ़ता है, बहुत अच्छी अच्छी इसको साइंस की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है ना मेरे बेटा। Yep. And that one I knew by the cover was gonna be good. ओके, मनका को इस बुक को देखते ही पता लग गया था बुक अच्छी होगी। तो चलो मैं कर लेती हूँ, ये देखो कब दिखाऊं क्या, ये देखो इतना सारा है और ये मुझे फोल्ड करना है, दिख रहा है सारा। और ये एक्चुअली बहुत दिन का है, और मैंने सारे सोफे कवर चादरें वदरे सब उठा के धो भी दी थी, तो वो भी है। तो चलो फोल्ड करते हैं, तो इनको फोल्ड करने में बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि कल मुझे कुछ खलेरा नहीं चाहिए, दिवाली है कल
मैं लेकर आई हूँ लीड, बिग दिवाली, और मैं लेकर आई हूँ फोन। मैं घर बात करते करते साथ साथ कपड़े फोल्ड कर लूंगी, कोई अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि सबके लिए दिवाली है, तो मैं गाने सुनते सुनते कपड़े फोल्ड कर लूंगी बेचारी मैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग है, वेलकम बैक नहीं है ये तो, इसको तो ऐसे लगता है हमेशा वेलकम बैक ही होता है। तो गुड मॉर्निंग, रात को मैं कपड़े उपड़े फोल्ड करके सो गई थी और बहुत लेट हो गया था, तो एक बहुत लेट हो गया था तो मैं सो गई, मैं उठी, हो गया एक मन का बेटा, तो बहुत लेट हो गया था और ये लोग सुबह जल्दी उठ गए, मैं तो उठी हूँ थोड़ा आराम से ही। तो अभी हमको करना है काम, और काम में भी क्या करना है हमको, हमें लड़ियाँ लगानी है क्योंकि रात को हमारी नहीं लगी थी, और साग भी देखते हैं बन गया होगा क्योंकि मैंने उसको स्लो कुक पे करके छोड़ दिया था, तो बन गया होगा वो भी। तो चलो फिर शुरू करते हैं दिन दिवाली का, और ये वीडियो शायद मैं दो पार्ट्स में डालूंगी, एक ये वाला और एक और मैं शूट करूंगी, तो स्टे कनेक्टेड। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. और यहाँ देखो मैंने सुबह साग खोल के देखा है, तो मेरा साग तो बॉईल हो ही गया था, मैंने उसको अभी इसी टाइम ही खोला था। और देखो अब मैं इसको ना अच्छे से मैश कर रही हूँ, इसको साग को बोलते हैं घोटना, अब हमारे मेरे पास यहाँ पे घोटनी नहीं है, जिससे वो लकड़ी की आती है उसे घोटते हैं, तो मैं ब्लेंडर ही चला देती हूँ। तो बस मैं इसमें अच्छे से इसको ब्लेंडर चला रही हूँ, बिल्कुल प्यूरे नहीं बनाना है, बट हाँ थोड़ा बहुत ना इसको ब्लेंड तो कर ही लेना है, मैं तो एटलीस्ट ऐसे ही करती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर, मक्की का आटा, डेढ़ कड़छी मैंने इसमें मक्की का आटा ऐड किया है, और इसको अच्छे से मैं पहले मिक्स करूंगी, और उसके बाद मैं इसको स्लो कुक करने के लिए ही रख दूंगी। अभी मैंने इसको आधा घंटा रखा था, फिर मुझे बाद में लगा कि मैं इसको थोड़ा और कुक करती हूँ, तो मैंने इसको 3 आवर्स के लिए स्लो कुक करने के लिए ऐसे ओपन ही छोड़ दिया था, क्योंकि साग जितना वही है, साग तो जितनी देर आप पकाओगे ना, जितनी देर उसको पकने दोगे उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने पहले हाफ एन आवर रखा था 30 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर मैंने इसको 3 घंटे के लिए और कर दिया था, इसका टाइम बढ़ा दिया था, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके और मैंने इसको छोड़ दिया।
और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे व्हाइट बटर की तैयारी, क्योंकि साग है, मक्की की रोटी बनेगी और तो मक्खन के बिना कैसे बनेगी ना। तो अब मैंने इसके अंदर हैवी क्रीम डाली है मिक्सर में, और अब मैं इसको मिक्सर को चला दूंगी। और साथ साथ मैंने अपना काम भी कर लिया था, ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दिया था एक्चुअली। तो बस इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करती जा रही हूँ, थोड़ा मैंने इसको हिलाया, और अभी धीरे धीरे ना थिक होता जाएगा, बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और इतना थिक हो के फिर ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। साइड का इसका थोड़ा सा मैंने छुड़ा दिया है, और इसमें से जब पानी निकल आएगा ना, तो इट मीन्स हमारा मक्खन तैयार है। मक्खन की मेरे किचन चैनल पे एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मैंने बहुत इनिशियली जब अपना किचन चैनल स्टार्ट किया था तब बनाई थी, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप उसमें देख के भी देख सकते हो कि प्रॉपर मक्खन मैंने व्हाइट कैसे बनाया है। तो बस यहाँ मेरा देखो व्हाइट बटर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन के हो गया है रेडी। और अब मैं ब्रेकफास्ट की क्योंकि साथ साथ तैयारी कर ही रही थी, मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, और तो यही हमारा ब्रंच हो गया था। ब्रेकफास्ट हमने क्या ही किया था, तो ये हमने ब्रंच कर लिया था। तो बस गोभी के पराठे यहाँ तैयार है, मैंने व्हाइट बटर बन गया था, तो मैंने व्हाइट बटर इसके ऊपर रख के पराठों के ऊपर, और फिर मैंने सर्व कर दिया था दही के साथ। तो अभी देखो आप हमारे गोभी के पराठे, व्हाइट बटर, और ये पंजाबी फैमिली का ब्रेकफास्ट तो मतलब यही हो सकता है, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, तो बहुत कॉमन है यार। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. ये देखो बच्चा शरारती ही है ये। बेटा पिल्ला मेरा छोटा छोटे मैं पपी हो गया, बन गया तू पपी। चलो भग जाए यहां से, चलो। अच्छा अब अगर बोलने देगी तो रखूंगी, नहीं तो भगा दूंगी तू यहां से। तो जी अभी हमारा दिवाली की सफाइयों और लड़ियों लाइटें लगाने का काम हो गया है। एक्चुअली दिवाली की सफाइयां हमारी इतने दिन से चली रही है, बट वो लास्ट मिनट वाला टचअप होता है ना, वो जरूरी था। और मंदिर डेकोरेटर इन चार्जर है, तो हमारा अभी काम हो गया। सफाइयां तो एक्चुअली बहुत दिन से चल रही थी, बट अभी लास्ट मोमेंट वाली जो लास्ट टचअप होता है ना, वो जरूरी था, तो वो भी फाइनली कंप्लीट हो गया। और लाइटें लगा दी, और शाम को कैंडल्स और दिए के साथ और फ्लावर्स के साथ मंदिर वगैरह सजाएंगे, वो शाम को करेंगे। और हमारा मैंने पता सब बना के रख दिया, साग बना के रख दिया, मटर पनीर बना के रख दिया, सब बना के रख दिया। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मे बी वो शायद हमारा दिवाली पूजा वाला और वो वाला व्लॉग होने वाला है। तो प्लीज़ गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं मैक्सिमम ये दिखा रही हूँ कि हम लोग यहाँ पे इंडियंस किस तरीके से दिवाली के लिए प्रिपरेशन करते हैं, जैसे इंडिया में होता है ना सेम, वैसे यहाँ पे भी होता है। बट यहाँ पे ये यह है कि सबको बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, मतलब पूरा माहौल दिवाली वाला नहीं होता, बट सब इंडियंस के घरों में होता है दिवाली वाला माहौल। तो फोन्स और ये सब तो लगा ही रहता है, बट अपने अपने घरों में तो ऐसे लगता ही है ना कि मतलब फुल ऑन जोश पे बाहर निकल के आपको फीलिंग नहीं आएगी कि दिवाली है। तो चलो यार इस ये वाला वीडियो में करी हुई एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय।